एक पीएसयू से सवाल था, बिल्कुल शुरू का दिखाएं। तो उसमें एक सवाल था कि जो हायर वेजेस पे, हाँ ये सवाल है, थोड़ा नीचे करिए इसको, सुरेंद्र विनोचा जी का, आर पीएसयू एम्प्लॉयज हु कंट्रीब्यूटेड ऑन हायर वेजेस टुवर्ड्स कंपनी कंट्रीब्यूशन आर एलिजिबल फॉर हायर पेंशन और नॉट? मैम देखिए, हायर पेंशन के संदर्भ में आप सभी को जैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जिस निर्णय के कारण कुछ अवधि के लिए लोगों को यह सुविधा दी गई थी कि जो सदस्य 2014 में सर्विस में मौजूद थे, उससे पहले से सर्विस ज्वाइन कर चुके थे और 2014 के आगे भी हमारे सदस्य बने हुए थे, वो यदि चाहें तो वो अपना ऑप्शन दे सकते थे। तो उसमें हमारे पास 17.5 लाख से भी अधिक आवेदन आए हैं। अब आप खुद सोचिए, 17.5 लाख कितनी बड़ी संख्या है। तो बहुत बड़ी लोगों ने संख्या है इसमें जी। आवेदन दिया है, हमारे सभी फील्ड ऑफिसेज उन आवेदन पर उचित निर्णय ले रहे हैं। यहाँ जरूरी बात यह है कि जब हम किसी का हायर पेंशन का एप्लीकेशन एग्जामिन करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है, जैसा आपने कहा पीएसयू के एम्प्लॉय हैं, तो कई पीएसयू जो हैं उनके अपने ट्रस्ट थे तो ट्रस्ट के अपने रूल्स भी रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हमारे आरपीएफसी हैं उन्हें देखनी पड़ती है कि क्या ट्रस्ट के रूल्स थे, फिर क्या पीएफ में आपका पूरी जो हायर वेजेस थे उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार आया है। क्योंकि हमने पाया कि कुछ संस्थानों में ये भी हुआ है कि शुरू के कुछ वर्ष हायर पेंशन पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया, बाद में आने लगा। लेकिन चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो बहुत क्लियरली कहता है कि सिर्फ जिनका लगातार हायर पेंशन पे कॉन्ट्रीब्यूशन आया है उनको हमने ये लाभ देना है, तो ऐसी स्थिति में हम लाभ नहीं दे पाएंगे। तो जो भी एम्प्लॉय, जो भी सदस्य या जो भी स्थापना, वहाँ से जो आवेदन आया है, यदि वो एलिजिबल पाया गया तो उसको अवश्य पेंशन दी जाएगी हायर वेजेस पे। और हम ऑलरेडी हजारों लोगों को ये पेंशन दे रहे हैं, हायर सैलरी के ऊपर जो पेंशन दे रहे हैं वो ऑलरेडी हजारों पीपीओ इशू हो चुके हैं। मुझे तो लगता आगे है भी कि हम लोग जो हैं वो हर रहेंगे। पेंशन और हर केस को एग्जामिन करके जी उस पर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ है। जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो 2014 से पहले जो नौकरी छोड़ चुके थे उनके लिए स्पीकिंग ऑर्डर है। जो जो इन्होंने कहा 2014 के बाद वाले जो केसेस हैं उनके लिए सिर्फ एक निर्णय दिया जाएगा, उसमें स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। लेकिन आपको लॉजिकली वी विल टेल यू की रीजन, अगर आपका निरस्त होता है, अगर आपका अप्रूव होता है तो आपको एक डिमांड लेटर मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कितनी राशि या तो जमा करनी है या आपने हमें अलाउ करना है, हमें आपने परमिशन दे देनी है कि हाँ हम आपके पीएफ से वो पैसा पेंशन फंड की तरफ डाइवर्ट कर दें। करेक्ट। तो जिनकी सही होगी एप्लीकेशन, जो इलिजिबल निकलेंगे, उनको डिमांड लेटर्स आएंगे, और जिनकी नहीं होंगी उनके पास रिजेक्शन आएगा और उनको रिजेक्शन के रीजन भी बताए जाएंगे।